वबरकत। दोस्तों ने वीडियो में खुश आमदी। दोस्तों ये जो वीडियो है हमारी बहन ने हमारे साथ शेयर की है सैयदा इरोम, इसमें जितनी भी मालूम है ये सैयदा इरोम की तरफ से हमें दिया गया है और ये वीडियो इसलिए बनाई है, सारा क्रेडिट इसको जाता है। तो इसका अकाउंट विजिट कीजिए, स्क्रीनशॉट हमने शेयर किया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हमारी कैंपिंग साइड है, दुईकर पे हम हैं। ये लेडी फिंगर, यहाँ से इवनिंग का सनसेट और सन राइज बहुत मज़े का होता है। यहाँ बिल्कुल हमारे कैंप के साथ हमने गाड़ी पार्क की है, इसमें क्योंकि सारा सामान है तो हम इजीली सारा सामान निकालते हैं, यूज़ करते हैं। बेतहाशा बटरफ्लाइज यहाँ से जो है ना उड़ रही हैं और बहुत तरह की सब्जियाँ फ्रूट्स यहाँ लगे हुए हैं। ये मटर हैं, तितली थोड़ी काटती है, हमारे पास फुटबॉल भी है, रैकेट्स हैं, ये हमने किचन बना लिया अपना। ये भी मैंने ताज़ा खुबानी तोड़ी है जो हमारी कैंपिंग साइट पे है। फुल लोडेड है पूरा दरख्त खुबानियों से और ये बड़ा सा डंडा है, इससे हमने खूब खुबानियाँ तोड़ी हैं और खाई हैं। ये अखरोट लगे हुए हैं, अखरोट के दरख्त हैं, यहाँ पे एप्पल्स हैं, वो चेरी है। हमारे पास यहाँ पे चेरी, अखरोट और खुबानी, एप्पल्स हैं। ठीक है, हमने अपना जो है कैंप यहाँ लगाया और ये नीट क्लीन वॉशरूम है हमारे पास, पर भी बच्चों के खेलने के लिए, टेनिस खेलने के लिए, इसके अलावा फुटबॉल खेलने के लिए फुल बड़ी जगह है। यहाँ पे भी बहुत सारी जगह है। यहाँ हम रात को बोन फायर करेंगे क्योंकि रात को काफ़ी ठंड हो जाती है यहाँ पे, तो ये जगह हमारी बोन फायर की है। ये हमारा किचन है, प्लस झूला वगैरह लगा हुआ है, कैंप है। हर कलर में यहाँ पे बटरफ्लाइज देखी है मैंने, येलो, ब्लू, वाइट, ब्लैक, येलो, वाइट कलर की बेतहाशा बटरफ्लाइज आगे पीछे। हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच कर रहे हैं, तो हमारे आगे पीछे घूम रही हैं बटरफ्लाई। बहुत नेचुरल और मज़े का एटमॉस्फेयर है और ये कैंप सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये में हमें मिला है। कुकिंग वुकिंग हम अपने खुद कर रहे हैं, गाड़ी हमारे साथ है, सारा सामान इसमें मौजूद है, सिर्फ पेट्रोल डलवा रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, कोई ख़ास ख़र्चा नहीं है। इस वक्त हम हुंजा दुईकर पे मौजूद हैं, नीचे करीमाबाद, अलतीत, बलतीत फोर्ट भी साथ में ही है। अच्छा, हमारे किचन जो हमने बनाया हुआ उसके अलावा भी यहाँ पे किचन है। भाई बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो हमें अलाउ करते हैं अंदर पकाना, इनके बर्तन यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन हम ख्याल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास भी काम का अपना लोड होता है, तो हमने अपना ही सिस्टम लगाया हुआ है।